नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बताते चले, रीछ का आतंक, गांव में घुसे रीछ ने किया लोगों पर हमला, 4 गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। वन विभाग की टीम ने रीछ को भगाया जंगल में। जी हां, आपको बताते चले कि डिप्टी रेंजर नतुलाल यादव का कहना है कि पानी को लेकर जंगल से जानवर रिहायशी इलाके में आ रहे हैं। एक रीछ गाँव में घुस गया था, उसने 4 लोगों को घायल कर दिया, घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और वहीं रूपेश पद्माकर का कहना है कि रीछ के हमले से 4 लोग घायल हुए हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, 4 का इलाज चल रहा है, एक की हालत ज्यादा गंभीर है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक रीछ जंगल के गाँव में घुस गया है, जहाँ ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे 4 ग्रामीण घायल हो गए, इनकी हालत गंभीर है, 4 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैतूल के दक्षिण वन मंडल के तहत आने वाले भैंसदेही रेंजर के अंतर्गत सिवनी और सिहार गाँव में रविवार सुबह रीछ अर्थात भालू ने जमकर आतंक मचाया। इन गांव में खेत में गए ग्रामीणों पर रीछ ने हमला कर दिया। वहीं सिवनी गांव में सौंच के लिए जा रहे ग्रामीण पर रीछ ने हमला कर दिया, जिससे कि दोनों गांव में 4 ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गए। क्या नाम भैया आपका? गीतेश बारस का। कहाँ रहते हैं? सिवनी। ये जो समस्या हुई है, हाँ। ये जैसे सुबह घटना हुई है कि रीछ ने 4 लोगों पे हमला कर दिया है, हाँ। और रीछ वर्तमान में भी पेड़ की ओर बैठा, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? सुबह 5 बजे अपने खेत के पास से गुजरी, मेरे चाचा को घायल किया, इसके बाद में मैं काम से जा रहा था पोहर, फिर मेरे को पता लगा कि ये सिहार में पहुंची, वहाँ 3 केस किए इसने। मैं वहाँ मैं गया देखने के हिसाब से कहाँ पे रीछ है, तो यहाँ पे आपकी टीम आई थी वन विभाग वाली सौल मंडी से, अपने भेजे 100 नंबर भी आई थी, सब आए। फिर इनके बाद में इनके 10-11 बजे तक ये टीमों ने सर्वे की उसकी नाले से, सर्वे के बाद में इनको रीछ नहीं मिली, पब्लिक को दूर दूर किया इन्होंने। इसके बाद जब रीछ मिली तो इन्होंने क्या किया, कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने बताया सियार वाले लोगों को कि हमारी टीम आई भोपाल से, अभी तक शाम के 5 बज गए, अब तक तो कोई टीम नहीं आई, जबकि वो जानवर आ गया मेरे तत्काल में वापस रिटर्न मेरे सिवनी में, मेरे खेत के बाहर तत्काल, अभी आपने देखा। अच्छा, वर्तमान में झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तत्काल में वही खड़ा हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जानवर को पकड़ के ले जाए या फिर हमको सेफ्टी दे, क्योंकि मेरे को यहाँ खेत में रहना पड़ता है, जानवर रहते हैं। आपका खेत यही है पास में, मैं वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, और जो मतलब पुलिस प्रशासन भी आया है, आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा है, सहमत हम इनसे, हम इनसे सहमत कि वो उनका कहना भी जायज है, कि अगर सहमत है ना, कोई भी अगर प्रशासन आता है कोई भी, तो आपके हित के लिए करता है, लेकिन आपका कहना कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब सुबह के 6 बज रहे हैं, जब जानवर शहर से यहाँ आ गए, आप कर क्या रहे हो, आपकी भोपाल की टीम कहाँ है, रेस्क्यू टीम कहाँ है, हमारा कोई दर्शन नहीं हो रहा किसी के, तो अभी अंधेरा हो जाएगा तो जानवर टीम, आप अगर ये कभी गारंटी लेते हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं, जो जैसे पब्लिक से पीछे गई है ना, शांत हुई है ना, हम शांत है, हम कोई आपत्ति नहीं, और कुछ जंगल जंगल क्या हुआ था, जंगल कैसे, क्या रीछ ने मार दी, रीछ ने मार दी, क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे, जंगल थे, गेहूं की दावन किए खल्ले में थे, तो ये लड़के पे दौड़ा, तो हम दोनों मियां बीबी दौड़ गए बचाने के लिए, तो हमारे पे हमला कर दिया। कितना बड़ा था रीछ? हाँ, रीछ कितना बड़ा था? अरे बहुत बड़ा था, ये तक का कहाँ लगी आप? ये अच्छा। पट्टी बंदी है आपकी, उसे बीवी को कहाँ लगी? और उसके हाथ तोड़ दिया है यहाँ से। तो क्या हमेशा आते रहता था रीछ की? पहली बार नहीं, ये पहली बार है, हमने जलम देखे भी नहीं, कैसा रीछ रहे थे। अजय, अजय पूरा नाम क्या है? हनुमान जी। क्या हुआ था अजय? सुबह 6 बजे आया था रीछ। कौन आया? भालू। कहाँ पर? खेत में। अच्छा, वो 3 लोग को घायल कर दिया था बेटा, तीन लोग को घायल कर दिया। क्या करने गए थे? गेहूँ दावन के तो देरी थी। कौन है तुम्हारे? बड़े मम्मी पापा। लगी पैर को लगा और दोनों हाथ। कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। और बाकी बड़े पापा बड़ी मम्मी का चोट है? बड़ी मम्मी का हाथ को आया ना, उसका कमर को, तुमको शायद हाथ को और ये पैर। कैसे हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल कैसे? वो आया ना अभी, आया था जी, जाने 108 सर। हाँ सर, ये जो भालू से हम लोग के 4 लोग आए हैं सर, क्या कंडीशन की, क्या हालत है इनमें से? 2 की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन 2 की स्थिति थोड़ी नाजुक है। उनमें से एक दादा हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा काटा गया है भालू के द्वारा, सिर में, हाथों में है ना, आँख के ऊपर भी और नाक भी काफ़ी कटी हुई है।
हालांकि अभी तो हमने फिलहाल जो है लगभग सिर पर छोड़ दिया है, बाकी जो प्रारंभिक दवाइयाँ होती हैं वो दे दी गई है, जो एंटीरेबीज की वैक्सीन है, बाकी और जो दवाइयाँ इनकी स्टार्ट कर दी गई है, अब आगे देखते हैं 24 घंटे में थोड़ा सा स्थिति भी ठीक होने की आसार है। सर जो घाव लगे इसको क्या रिएक्शन होने के लिए आशंका रहेगी? वो रहती है क्योंकि भालू काटने से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि हमने काफ़ी सफाई की है इनकी, जितनी सफाई हम कर सकते थे, और बाकी अब देखते हैं जो पट्टी ड्रेसिंग होंगी इनके आगे उसके हिसाब से फिर अपन करेंगे आगे। और जो सीरियस उनको क्या रिफर करने की आगे तैयारी? नहीं, फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है, अभी हम देखेंगे उनको, हमने बताया 24 घंटे की स्थिति हम देखेंगे उनकी, अभी उसके बाद ही फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष बंसोर है, SDO भेजते जी। जी सर, सुबह से ही पता चला है कि 2-3 गांव जो सियार काटोल है सिवनी, वहाँ पर रीच का हमला हुआ है और 4-5 लोग घायल हैं, तो अभी वर्तमान में कैसी क्या स्थिति है और कैसा क्या आप कर रहे हैं उसको? 4 लोग घायल हैं, उनको भेज दिया अस्पताल ले जाया गया था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ से उनको रेफर किया गया बैतूल जिला अस्पताल, जहाँ पे कि हमारा स्टाफ उनकी देखरेख कर रहा है, और जो भी घायल है उनके उपचार का पूरा खर्चा भर्ती की अवस्था में 500 रुपये प्रतिदिन का जो अनुदान है वो वन विभाग द्वारा दिया जाएगा। और मौके पर अभी जो रीच है वो तो भी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित करें, क्योंकि आसपास के 2-3 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, अब भीड़ है तो कुछ उपद्रव भी होता है, कोई पत्थर मारने की कोशिश करता है, पर मैं इस बात का भी डर है कि कहीं और लोगों पर हमला ना कर दें, क्योंकि उतना शोर शराबे में जानवर भी पूरा हो जाता है। सर अभी फिलहाल में तो रीच पेड़ के ऊपर है, तो क्या रेस्क्यू टीम आ रही है, क्या आगे का आपका है? रेस्क्यू टीम हमने 17 टाइगर रिजर्व से बुलाई है, वो आएगी और हम अभी लगातार यहाँ पे इस क्षेत्र में 2-3 दिन गश्ती भी करेंगे, दिन में रात में, और जरूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा करेंगे। बस आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को ही बता, आसपास के ग्रामीणों को ही निवेदन करना चाहते हैं, यही अनुरोध रहेगा हमारा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि जानवर है आसपास, और ये क्षेत्र जंगल से लगा हुआ भी है, और गर्मी का मौसम है, कभी जंगल में आग लगने के कारण या पानी की तलाश में वन्य प्राणी रिहायशी इलाकों में आने की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से ये अनुरोध रहेगा कि कुछ दिनों तक घर से बाहर अकेले ना निकलें, निकले तो 2-3 लोग साथ में निकलें, तो कुछ बजाने की चीज़ें साथ में रखें, जैसे मंजीरा होता है या फिर बर्तन होते हैं, और रात को घर के बाहर ना निकलें। सर गांव वालों का कहना पड़ रहा है कि ये एक ही नहीं है, इसके साथ एक और भी है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 4-5 घूम रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि एक भी नहीं, एक ही है, तो ये ऐसी चीज़ एकदम से नहीं कर सकते। सर क्या ये हमला करने के बाद रीच जैसा जानवर क्या खुकार हो जाता है या सामान्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमला करने के बाद खुंखार हो जाता है ऐसा कोई? आपकी टीम के द्वारा जैसे क्या इसको रेस्क्यू करके छोड़ दिया जाएगा जंगल में या क्या किया जाएगा? अगर रेस्क्यू टीम इसको रेस्क्यू करती है तो जाहिर बात है इसको जंगल में सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया जाएगा। सर शुभ नाम क्या है पूरा आपका? मेरा नाम है नथुलाल यादव। यादव जी क्या घटना घटी है? मैं सवेरे अपने कोल्डी निवासी स्थान पे था, तो मुझे फ़ोन आया कि आपके क्षेत्र में, तो अभी कंफर्म नहीं है कि कौन का क्षेत्र है, सियार गांव में भालू ऐसी पानी वानी पीने आते हैं, तो मतलब किसी को घायल कर दिया ऐसा पता चला, तो मैं तत्काल आया और वहाँ पे मैं अंदर ज़्यादा था तो पता चला मुझे भी इनको जो है स्वास्थ्य केंद्र भर्ती लेके आए हैं, भर्ती से मुझे पता चला कि बैतूल रेफर कर दिया, तो बैतूल आया, अब उनका ट्रीटमेंट जारी है, तो ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि क्षेत्र किसका है। सर कितने लोग घायल हुए हैं, क्या हालत है अभी? अभी तक देखो आपने भी देखा है 4 लोग हुए हैं, तो 2-3 की स्थिति थोड़ी अच्छी है, एक को थोड़ा सा ज़्यादा घायल ये किया है, लेकिन खैर जो भी उनका जो है शासन ये रहेगा। रीच का रेस्क्यू हुआ है क्या? कहाँ है रीच का भी? अब उसी क्षेत्र में होगा सर, जंगल में, तो पानी का ये था इसलिए गांव से भगा दिए गए। हाँ नहीं, गांव से तो खैर उसको भगा दिया गया है, और गाँव में और हमारे दूसरे जो है स्टाफ लोग भी पहुँच गए हैं, अब उसकी देख रहे हैं कि कहाँ तक किधर क्षेत्र। जंगल में पानी नहीं है क्या? हाँ जंगल में पानी भी है, लेकिन अब वो क्या है पानी के क्षेत्र में आते रहते हैं, ये जैसे वहाँ पे टाका वाका बने हैं किसानों के, टाका में नाले किनारे जैसा भी होगा वहाँ पे। बैतूल मध्य प्रदेश से रामेश्वर लक्ष्मी, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।